अब लालू यादव इंडिया अलायंस की लगाएंगे नया पार? क्या ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल को लालू यादव मनाने वाले हैं? सब कुछ आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। देखिए, आपको सबसे पहले ये समझा देते हैं कि इंडिया अलायंस के अंदर अब कांग्रेस का जो प्रभाव है वो शून्य हो चुका है। जो अभी रिजल्ट सामने आए, 3 चुनाव के, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उसके बाद सारी जिम्मेदारी लालू यादव के ऊपर आ चुकी है। वजह साफ है कि जो भी इंडिया अलायंस के बड़े नेता है उसमें सबसे बड़ा कद इस वक्त लालू यादव रखते हैं। नीतीश कुमार दूसरे नंबर पर आते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार इस वक्त बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार। ऐसे में जो बाकी नेता है, चाहे बात करें ममता बनर्जी की, अरविंद केजरीवाल की या फिर अखिलेश यादव की, उनके साथ उनकी वो बात नहीं बनेगी। हालांकि इंडिया अलायंस को बनाने में सबसे पहले जो शुरुआत है वो नीतीश कुमार ने की। इन सभी नेताओं से जिनके नाम हमने अभी गिनवाए, सबसे पहले मुलाकात नीतीश कुमार ने ही की, फोन से बात भी नीतीश कुमार ने ही की थी कि आइए मिलकर एक महागठबंधन बनाते हैं और नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होते हैं। लेकिन अब देखिए, वक्त बदल चुका है, समय बीत चुका है और सारी जो बाजी है वो पलट चुकी है। अभी हाल में जो ताजा रिपोर्ट सामने आई उसके बाद कांग्रेस को अब ये साफ हो चुका है कि उसकी दाल इंडिया अलायंस के अंदर गलने वाली नहीं है। अब कांग्रेस को भी अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए लालू यादव का ही सहारा लेना पड़ सकता है। अभी इंडिया अलायंस की जो बैठक होने वाली थी 6 दिसंबर को, वो टल गई। वो इसीलिए टल गई कि कोई भी आने के लिए तैयार नहीं हुआ। ममता बनर्जी ने मना कर दिया, केजरीवाल नहीं आ पाए, अखिलेश यादव मना कर गए, नीतीश कुमार नहीं गए। तो फिर जब नई तारीख तय हुई कि ये बैठक होगी, तब इन सबको किसने मनाया? लालू यादव ने। क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को लालू यादव बनाना चाहते हैं, और वो तभी संभव होगा जब इंडिया अलायंस एकजुट होगा, जब नीतीश कुमार के दिमाग में ये सपना चलता रहेगा, उनके मन में इस तरह के ख्याली पुलाव पकते रहेंगे कि वो भविष्य में प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और ये उनका सपना तभी तक जिंदा रह सकता है जब तक इंडिया अलायंस का अस्तित्व रहेगा। तो बिखरते टूटते गिरते पड़ते इस इंडिया अलायंस को अब किसी का सहारा बचा है तो वो है लालू यादव। ममता बनर्जी से जो लालू यादव का रिश्ता है वो बेहद गहरा है। लालू यादव से मिलने जब ममता पटना आती है, जब यहाँ पर पहली बैठक होती है इंडिया अलायंस की, तो ममता बनर्जी अलग से लालू यादव से मिलती है, उनकी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से मिलती है, उनकी पोती के लिए गिफ्ट लेकर आती है, उनकी पत्नी राबड़ी देवी के लिए साड़ी लेकर आती है। यानी एक पारिवारिक रिश्ता बन चुका है लालू यादव और ममता बनर्जी के बीच में, एक भाई बहन वाला रिश्ता है। तो यहाँ पर लालू यादव की बात ममता बनर्जी नहीं काटेंगी और उनकी बात को मानेंगी। दूसरे हैं अखिलेश यादव। देखिए, अखिलेश यादव बहुत ज्यादा खफा हैं राहुल गांधी से और कांग्रेस से। मध्य प्रदेश के चुनाव में अखिलेश यादव चाहते थे कि कांग्रेस और सपा मिलकर चुनाव लड़े, कांग्रेस ने इनकार कर दिया, कमलनाथ ने धुतकार दिया, अखिलेश यादव नाराज हो गए। और जब वो मीडिया के सामने आए तो साफ साफ कह दिया कि अभी तो इंडिया अलायंस को पता ही नहीं कि उनको करना क्या है, उनकी रणनीति क्या है, उनके मुद्दे क्या है, और इसीलिए मैं अपने आप को इस अलायंस से अलग कर देता हूं। हालांकि उनका यह स्टेटमेंट गुस्से से भरा हुआ था, उसके बावजूद कहीं ना कहीं अखिलेश यादव इंडिया अलायंस से अभी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन पूरी शिद्दत के साथ वो इंडिया अलायंस में अभी नहीं है। तो लालू यादव, चूंकि उनके परिवार के रिश्ते अखिलेश यादव के साथ हैं, अखिलेश यादव परिवार के साथ हैं, तो ऐसे में लालू यादव ही मना सकते हैं अखिलेश यादव को और उनको राजी कर सकते हैं कि वो फिर से इंडिया अलायंस में उसी खुशी खुशी के साथ लौटे जो शुरुआत में उन्होंने दिखाई थी। तो अखिलेश यादव को मनाने का काम भी लालू यादव ही कर सकते हैं और करेंगे भी। तीसरे नंबर पर आते हैं अरविंद केजरीवाल। आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल शुरुआती दौर में तो लालू यादव से नहीं मिलते थे, उनको लगता था कि लालू यादव पर कई आरोप लगे हैं, चारा घोटाला, ये सारे आरोप लगे हैं, तो ऐसे में कहीं खुद अरविंद केजरीवाल की छवि ना खराब हो जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद को बहुत ईमानदार नेता बताते हैं, और इस वजह से वो बचते थे लालू यादव के पास जाने से, उनके साथ फोटो खिंचवाने से, उनका करीबी दिखने से अरविंद केजरीवाल बचते थे। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। अब अरविंद केजरीवाल सरकार पर भी शराब घोटाले का आरोप लगा हुआ है, उनके मंत्री
उनके डिप्टी सीएम सिसोदिया जेल के अंदर हैं, तलवार लटक रही है केजरीवाल के ऊपर भी कि कहीं उनको भी ना जो शराब नीति घोटाला है उसमें जेल ना हो जाए। तो इस वजह से केजरीवाल के तेवर ढीले पड़े हैं, लेकिन वो नीतीश कुमार की बातों से अबराजी नहीं होते हैं। केजरीवाल को लगता है कि नीतीश कुमार आज नहीं तो कल अगर पलट गए, यानी कि बीजेपी के साथ चले गए, तो फिर उनको मुंह की खानी पड़ सकती है। ऐसे में उनका भरोसा नीतीश कुमार की बजाय अब लालू यादव पर ज्यादा है, और वो ये भी मानते हैं कि अगर आने वाले चुनाव में कुछ बेहतर करना है तो इंडिया अलायंस में रहना जरूरी होगा। और इस कड़ी में जो मजबूत काम कर रहे हैं वो है लालू यादव। तो तीन जो बड़े नेता जो अभी तक रूठे हुए हैं उनको पूरा मनाने का काम लालू यादव के कंधों पर ही है। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस को संभाल कौन सकता है? लालू यादव। आप सबको तो याद ही होगा कि जब लोकसभा की सदस्यता राहुल गांधी की बहाल हुई थी तो वो सबसे पहले मिलने के लिए नीतीश कुमार के पास नहीं बल्कि लालू यादव के पास गए थे, और उनके काफी पुराने रिश्ते भी लालू यादव परिवार से हैं, और एक ऐसा रिश्ता है जिसपे वो भरोसा कर सकते हैं। तो लालू यादव की बात भी कांग्रेस नहीं टालेगी, यानी जैसा जैसा लालू यादव बोलेंगे इस वक्त, कम से कम इस वक्त राहुल गांधी जी जरूर मानेंगे, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। अभी हाल ही में कांग्रेस के सांसद के पास से आयकर विभाग ने 300 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। ऐसे में उनकी तरफ से कोई सीधा स्टेटमेंट अगर कोई जाएगा तो वो लालू यादव की तरफ से ही जाएगा, यानी राहुल गांधी बैकफुट पर आ चुके हैं, फ्रंट पर हैं लालू यादव। तीन राज्यों में मिली करारी हार के बाद वैसे भी राहुल गांधी को फ्रंट का नेता बनाने के लिए अभी तो कोई तैयार नहीं है। तो अब बड़ी चुनौती एक बार फिर से हो गई है इंडिया अलायंस के नेताओं के लिए कि वापस से वो सब एक मंच पर आ जाएं और अपने अपने मुद्दों को दरकिनार करते हुए एक मुद्दे पर राजी हो जाएं, और वो राजी करने का काम कोई और नहीं बल्कि लालू यादव ही कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात आपको बताना चाहेंगे कि सिर्फ 4 से 5 महीने बचे हैं लोकसभा चुनाव में, अभी तक सीटों का क्या बंटवारा होगा, कैसे बंटवारा होगा, कोई उसकी खास रणनीति नहीं बन पाई है। जितने भी तमाम नेता हैं वो सिर्फ ये बात कहते रहते हैं कि जिस राज्य में जो पार्टी प्रभावी है, यानी जो भी क्षेत्रीय दल जिस राज्य में मजबूत स्थिति रखता है वहां उसको ज्यादा सीटें मिलेंगी। इस हिसाब से देखा जाए तो बिहार के अंदर राजद है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं, दिल्ली में केजरीवाल हैं, पंजाब में केजरीवाल हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस को हर जगह कंप्रोमाइज अब करना पड़ सकता है। जो कांग्रेस पहले कंप्रोमाइज करने के लिए राजी नहीं थी, अब उसे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, और क्षेत्रीय दलों की बातें कांग्रेस को, राहुल गांधी को, प्रियंका सोनिया गांधी को अब ज्यादा माननी पड़ेंगी, और लालू यादव के कहने पर उनको मानना ही होगा क्योंकि उनके पास कोई दूसरा तीसरा चौथा विकल्प बचा ही नहीं है। तो सारी बात हमने आपको बता दी कि क्यों लालू यादव ही सबसे फ्रंट पर है इस वक्त इंडिया अलायंस की तरफ से। हालांकि एक और दिलचस्प बात यह है कि राजद के खुद के 0 सांसद इस वक्त लोकसभा में हैं। एक ऐसी पार्टी जो खुद लोकसभा के अंदर अस्तित्व में है ही नहीं, वो इस वक्त नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडिया अलायंस की अगुवाई करती नजर आ रही है। ये बेहद दिलचस्प राजनीति हमें देखने को मिल रही है साल 2023-24 में। इस एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। आपकी अपनी राय इन तमाम बातों पर क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को भी खूब शेयर जरूर करें।